दोस्तों, ये सैमसंग का A50 मॉडल है और इसमें एक प्रॉब्लम आती है कि इसमें जो ईयर स्पीकर या फिर लाउड स्पीकर हो गया, उनमें क्रैक साउंड आना, जैसे कि कान में है अपने ईयर स्पीकर में तो फटी फटी आवाज़ आना, ये प्रॉब्लम होती है इसके अंदर। उसका मेन कारण क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और प्रॉब्लम कहाँ से आती है और इसका सॉल्यूशन कैसे करें। देखो, दो तरह के बंदे रहते हैं, एक तो हार्डवेयर के अच्छे टेक्नीशियन रहते हैं, वो अपना काम कर डालते हैं, ठीक है, और दूसरे बंदे रहते हैं कि यार उनको उतना काम करने को नहीं आता है और उतना हाथ भी साफ नहीं रहता और वो कर नहीं पाते हैं। उनके लिए मैं सबसे बढ़िया जुगाड़ लाया हूँ इसका कि आपको कैसे करना है। इसका मेन कारण मैं बता देता हूँ। देखिए, सही तरीके से अगर इसको देखेंगे आप तो आपको नज़र आएगा कि यहाँ पे वैसे इसमें घिस के फिर यहाँ पे आपको ट्रैक निकालने पड़ते हैं, और उनको जो ट्रैक टूटा रहता है उसको आपको जोड़ने की ज़रूरत पड़ती है। आपने बहुत सारे वीडियो में भी देखा होगा ऐसा, यहाँ पे आपको ट्रैक जोड़ने, ये देखिए दो निशान लग गए, समझ लो यहाँ से बोर्ड है जो आपका दब चुका है। तो इसी का मैं आपको सॉल्यूशन बताने वाला हूँ कि आपको नॉर्मल इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, आपको आराम से आप दुकान पर आराम से कर सकते हैं। बता रहा हूँ, कोई भी टैप लेना है, देखिए मैंने इस टैप को बनाया है पूरा, ये छेद तो वैसे आप उसमें लगाएंगे तो हो जाएगा, ये कोई दिक्कत नहीं इसका। ये देखिए, इस प्रकार से आपको टैप को लेना है, और ये देखिए यहाँ पे छेद है, यहाँ पे अपन ने होल कर रखा है। होल ये कैसे होगा वो बता रहा हूँ। इस टाइप की टैप लेनी, तो कोई दूसरी आपके पास टैप हो अच्छी जो मोटी रहती है थोड़ी सी, वो लेनी है आपको। और लेके करना क्या है आपको, जहाँ पे आपका ये वाला स्क्रू है, जहाँ पे आपका ये वाला स्क्रू है, ठीक है, यहाँ पे ठीक आपको ऐसे ऊपर इसको लगाना है। जैसे कि मैंने होल किया हुआ, तो मैं होल से होल मिला देता हूँ ताकि क्या है ना, ये दिक्कत ना हो मुझे। तो ये बस मैंने इसको ऐसे चिपका दिया। अब करना क्या है अपना नॉर्मल, इसमें क्या है, नहीं तो आपको बोर्ड को घिस के फिर निकालना पड़ेगा। ये नॉर्मल टेक्नीशियन के लिए, जिनको कि काम करने में काफ़ी परेशानी आती है, करे यार अब मैं क्या करूँ, अब मेरे को कहीं दिखाना पड़ेगा, पैसे नहीं मिलेंगे, ये वो कस्टमर रिटर्न जाएगा, तो इसी का मैं जुगाड़ लेके आया हूँ। या फिर किसी टेक्नीशियन को दिखाना पड़ेगा आपको, जो कि पूरा ड्रिलिंग करके कंप्लीट आपको करके देगा फिर। तो इससे बचने के लिए आपका ये उपाय खरा उतरेगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। अब इसमें ये है कि यहाँ से आपको एक स्क्रू लगाना है अच्छे से। सारे वीडियो मेरे नॉर्मल है, क्योंकि एक नॉर्मल इंसान के लिए उतना काफ़ी होता है, ठीक है, ऐसे नॉर्मल हल्के हाथ से लगा देना है। उसके बाद आपको स्क्रू ड्राइवर से ऐसे दबा के फिर इसको लगाना है। थोड़ा सा प्रेस करके लगाना बस, ठीक है, चल ऑन है फोन अपना। एक बार इसको थोड़ा सा मैं चार्जिंग में लगा दूं, इसमें चार्जिंग है 2% ही है। ठीक है, लाउड स्पीकर वो प्रॉपर पैक नहीं किया है, इसलिए उसमें सही आवाज़ नहीं आ रही है, क्योंकि पैकिंग नीचे से जब तक खुली रहती है तब तक आवाज़ सही नहीं आती है। इसका नहीं, मेन इसमें ईयर स्पीकर की प्रॉब्लम है जो हो रही है कस्टमर के अभी हाल फिलहाल के अंदर। अभी आपको सुनाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन इसका स्पीकर है जो काम कर रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर करेंगे आप तो 100% हो जाएगा। देखिए, उसको टाइट लगाना है वैसे टैप करके, तो हो जाएगा, कोई इशू नहीं है, बिल्कुल आराम से करना है, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार में आपका काम हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से आपको इस काम को करना है। ये तो क्या, अभी ईयर स्पीकर है, मैं आपको सुना नहीं पा रहा हूँ, लेकिन 100% इसी से आपका काम है जो हो जाएगा, क्योंकि आपको वो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जो आप सोच रहे हैं। क्योंकि आप बहुत सारे बंदे क्या है कि वो सीपीयू को कर डालते हैं, सीपीयू करने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। सीपीयू करेंगे तो हो सकता है उसकी हीटिंग लगने से एक बार वो सही हो जाए, फिर बाद में फिर से दिक्कत देने लग जाए। तो
ये आप कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्मल कस्टमर पैसे नहीं दे रहा कि भाई मैं तो 300 रुपये दूंगा, 200 रुपये दूंगा, तो फिर 200 में ऐसा ही काम होता है, सीधी बात है। तो और ये बेहतर भी है, ये इसलिए बेहतर है कि आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और एक तरह का जुगाड़ है और अच्छा चलता है। मैंने 2-3 जन को करके दिया है। पहले मैंने देखो J2 16 के टाइम पे मैंने नेटवर्क की फॉल्ट आती है उसके लिए ऊपर वीडियो बनाया था, जो लोग CPU नहीं खोल पाते हैं उनके लिए वीडियो बनाया था मैंने कि ऐसे भी आप कर सकते हैं तो उससे नेटवर्क आ जाएगा आपका, तो वो भी बहुत ज़्यादा मेरा वायरल हुआ और बहुत अच्छा वीडियो गया था मेरा। तो ये नॉर्मल चीज़ें हैं, देखिए, ठीक है ना। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।